हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका प्यार का, आप सबके अप्रिसिएशन का। आप पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो बहुत 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 शुक्रिया। सो मैंने ये सीज़न 3 शुरू किया है जिसमें मैं एडवांस हो पोनो पोनो टूल आपके साथ शेयर किए हैं, और जितने मेजर एडवांस हो पोनो पोनो टूल से जितने भी मुझे पता थे, जैसे फ्लाई पेपर हो गया, वायलेट फ्लेम, एमराल्ड ग्रीन और बाकी सारे भी, तो वो सारे मैंने जो मेजर सिंगल थे वो शेयर कर दिए। अब जो अगले ये 2-3 एपिसोड्स होंगे उसमें आपके साथ मैं छोटे छोटे ऐसे हो पोनो पोनो टूल्स शेयर करूँगी जो दोनों चीज़ में कंसिडर होते हैं, जैसे बेसिक में भी एडवांस में दोनों में हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब ऐसे टूल्स हैं जो हर दिन हम उसको यूज़ भी करते हैं, हमको पता भी है और उसका फ़ायदा भी हमें होता है। बस बिल्कुल ये चीज़ है कि हमको अभी क्या फ़ायदा होता है वो स्पेसिफिकली नहीं पता। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब जहाँ से भी मुझे गूगल करके मुझे जैसे भी कुछ भी जो भी पता चला है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको डिवाइड करूँ 3 मेजर फॉर्म में। एक तो है एडिबल टूल्स, एडिबल्स यानी जो हम खा सकते हैं। बेसिक में मैंने थोड़े शेयर तो किए, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, M&M चॉकलेट्स हैं, हॉट चॉकलेट है, वो सारा मैंने बेसिक हो पोनो पोनो टूल सीज़न 2 में शेयर किया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसे एडिबल्स हैं जो शायद इंडिया में हम इतने यूजुअली नहीं खाते लेकिन हमको पता है उस चीज़ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो पहला जो टूल है वो है जेली बीन्स। मतलब जेली बीन्स हमें पता है क्या होता है, मैं उस इमेज डाल दूंगी। तो वो जेली बीन्स खाने से क्या होता है, हो पोनो पोनो टूल है तो बेसिक ही मतलब है कि वो हमारी मेमोरीज को डिलीट करता है। लेकिन स्पेसिफिक जेली बीन्स खाने से क्या होता है, जेली बीन्स खाने से वो हमको सही जगह पे सही टाइम पे ले जाता है। मतलब अगर हमको वी हैव टू बी, जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना, मैं सही जगह पे सही समय पे पहुंच जाता, तो जेली बीन्स खाने से हम सही समय पे सही जगह पे पहुंच सकते हैं, जो हमको बहुत सारे अच्छे मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाने में हेल्प करता है। और मतलब जो हमको रोकने वाले ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव इमोशंस है, उस मेमोरीज को डिलीट करता है ना। तो पहला है जेली बीन्स। सेकेंड है पैनकेक्स। पैनकेक्स आपको पता ही होगा, वो नॉर्मली मैदे का बनता है और उस पर हम क्या बोलते हैं, शुगर सिरप वगैरह डालते हैं, थोड़े से आइसक्रीम वगैरह डाल के हम खा सकते हैं उसको। तो पैनकेक्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो नॉर्मली हमको क्लीन करने में मदद करते हैं, हमारी मेमोरीज ब्लॉकेजेस या नेगेटिव जो फीलिंग है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उस पर क्लीनिंग करने में मदद करते हैं। तो यानी कि ओवरकम द ग्रीफ, अगर हम बहुत किसी का अपना हमारा चला गया है भगवान के पास और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उस दुख को दूर करने के लिए ये पैनकेक वाला जो हो पोनो पोनो टूल यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे पैनकेक खाने, उसका मतलब ऐसा मतलब नहीं होता। उसका मतलब होता है कि आप पैनकेक आप थोड़ा सा खा सकते हैं और आपको वो मेमोरीज़ को रिलीज़ करने में आपको मदद करेगा। दूसरा कि अगर कोई आपका बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा यू नो लाइक फेटल इलनेस से, तो भी यहाँ मतलब जहाँ से मुझे वो ये डेटा मिला है वहाँ ऐसे बताते कि पैनकेक थोड़ा सा उनको खिला दीजिए या उनका बैटर भी उनको उन पे रख दीजिए या उनके इमेज पे, तो वो मेमोरीज़ को क्लीन करता है। अब ये मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे डेटा मिला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, फेटल इलनेस है मतलब उनकी दवाई मेडिकल ट्रीटमेंट तो चालू है, लेकिन बोलते हैं ना दवा के साथ दुआ, तो ये जो हो पोनो पोनो टूल है वो ये चीज़ पे काम करता है। तो हम खुद भी खा सकते हैं और नॉर्मली मतलब बहुत, अगर कहने का मतलब है कि पैनकेक यूज़ करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं,
किसी के लॉस के वजह से, किसी अपने के लॉस के वजह से, ठीक है। ये दूसरा था। तो तीसरा है जिंजर स्नैप्स। अभी जिंजर स्नैप का भी इमेज डाल दूंगी। वो नॉर्मली हमको हेल्प्स टू एक्टिवेट ऑल अदर क्लीनिंग टूल्स। अगर जिंजर स्नैप्स हम खाते हैं या उसका थोड़ा सा, उसका जो बोलते हैं ना चूरा भी हमारे पास रहता है या हम कहीं पे स्प्रिंकल करते हैं, तो बाकी सारे जो क्लीनिंग टूल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। जैसे सी पॉट, ड्यू ड्रॉप्स, या कोई खाने वाले टूल्स, या हमारे डेली के टूल्स, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज लव मी, थैंक यू, कुछ भी जो हमारे डेली टूल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में जिंजर स्नैप मदद करता है। और हमें डिलीट द मेमोरी, ट्रांसम्यूटेशन हेल्प्स टू मूव टूवर्ड्स द पाथ ऑफ जीरो, डिविनिटी के पास मतलब जल्दी से लेके जाता है। फिर है लाइफ सेवर्स। लाइफ सेवर्स भी एक चॉकलेट की तरह ही होते हैं। तो ये चौथा है एडिबल टूल। तो लाइफ सेवर जैसे नाम है, वो हमारी ज़िंदगी बचाता है, हमारी लाइफ को सेव करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ उन्होंने ऐसा बताया है कि लाइफ सेवर्स जो पैकेट्स होते हैं या जो चॉकलेट्स होते हैं, हमको अपने पास रखने चाहिए जब हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइफ को सेव करना है कहीं पे, मतलब जा रहे हैं लॉन्ग जर्नी पे, तो फ्लाइट में या ट्रेन में, तो हम लाइफ सेवर्स के पैकेट या वो चीज़ अपने पास रख सकते हैं। तो वो हमको डेंजरस मेमोरीज को डिलीट करेगा और अपनी लाइफ को सेव करेगा। ये भी मैंने अभी पर्सनली कुछ उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन। फिर है प्रेट्जल्स, ये है फिफ्थ है प्रेट्जल्स। प्रेट्जल्स भी एक खाने का ही फॉर्म होता है, मैम इमेज तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये नॉर्मली रिलीज करता है, डिलीट करता है सारे जो अर्थ के जो, मतलब हमारी जो धरती है उसमें अगर जो कुछ मेमोरीज डिलीट करनी है हमें, जैसे टू हील द अर्थ है ना, क्लीन द अर्थ, क्लीन द मदर अर्थ, उसके लिए हम प्रेट्जल्स, तो प्रेट्जल्स को भी खा सकते हैं। उसके जो क्रम्बल्स होते हैं, उसका जो चूरा होता है उसका, वो हम स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ को। तो प्लेन्स हो गए, वीट के खेत हो गए, सॉल्ट के खेत हो गए, प्लेन्स है ना, तो मतलब हीलिंग द मदर अर्थ, तो मेमोरीज डिलीट करने को मदद करता है। और लास्ट, इस वीडियो का लास्ट सिक्स होता है टूटी फ्रूटी। वाओ, टूटी फ्रूटी ये तो हम खाते हैं ना चॉकलेट्स में, केक्स में, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर की, टू रिमूव वेरियस डिजीजेस ऑल और सफरिंग विल डिसअपियर। मतलब अगर फिजिकल या कोई भी तरह के डिजीजेस हैं तो टूटी फ्रूटी खाने से वो हमें हेल्प करते हैं हीलिंग में, है ना। तो बस आज के एपिसोड और आज के वीडियो में इतना ही। एडिबल हो पोनोपोनो टूल्स, नए नए जो हम हर रोज यूज़ करते हैं, टूटी फ्रूटी तो हम खाते ही हैं, जली बीन्स खाते हैं, तो ये सारे खाने से भी हमारे मेमोरीज को डिलीट करते हैं, ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं और हमको हेल्प करते हैं लाइफ अच्छे से, इजी से जीने में। सो थैंक यू सो मच। बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आपने मेरा एनिमे वर्जन तो देखा ही होगा, तो एनिमे वर्जन में मैं शेयर करूँगी आपके साथ डिफरेंट शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसमें मैं ये होपोनोपोनो टूल्स को शेयर करूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिटेल शेयर करूँगी, अब्राहम हिक्स के रैम्पेजेस ऑफ एप्रिसिएशन शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपका वो मेरा वो एनिमे वर्जन आपको पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, उसे शेयर सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं अपनी डिटेल्स और हम बात कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।